आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताने जा रही हूँ जिससे आपके फेस में इंस्टेंट ग्लो आएगा और आपका फेस लाइटन अप और ब्राइटन अप हो जाएगा। तो चलिए किस बात की देरी, शुरू करते हैं। सो जो हमारा पहला स्टेप होता है वो है फेस को अच्छे से क्लीन करना। आप किसी भी फेस वॉश से अपना फेस अच्छे से वॉश कर ले जिससे आपके जितने भी फेस का डर्ट है वो रिमूव हो जाए। और हाँ, फेस पैक लगाने से पहले कोई भी आपके फेस में मेकअप नहीं होना चाहिए। और सेकेंड स्टेप होता है हमारा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे हमारी डेड स्किन सेल्स हटती हैं और हमारा पोर जो हमारे पोर्स होते हैं उस वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। स्क्रबिंग के लिए मैंने यूज़ किया है इधर चावल का आटा। तो इसे मैंने बहुत ईजिली अपने घर में जो चावल हैं मैंने उन्हें पीस लिया है और बहुत अच्छे से इसको इस तरह बना लिया है पाउडरी फॉर्म में। तो आप इसे घर पे बहुत ईजिली बना सकते हैं। और हाँ, आप मार्केट के भी स्क्रब्स का यूज़ कर सकते हैं जो आपको मार्केट में ईजिली मिल जाए। तो अब मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ। ध्यान रखिए कि ज़्यादा पानी ना डालें। तो मैंने इसमें बहुत एक चम्मच के बराबर पानी डाल लिया है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो और पानी डाल लेते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब ये रेडी है आपके स्क्रबिंग के लिए। स्क्रब करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से थोड़ा सा वेट कर लीजिए जिससे आपका एप्लीकेशन ईजिली हो जाए। तो मैंने इस तरह से थोड़ा पानी अपने पूरे फेस पे लाई कर लिया है और अब मैं स्क्रब लगाने जा रही हूँ। तो इस तरह से आप लें और जेंटली अपने फेस पे लगाना स्टार्ट करें। अपने स्क्रब को पूरे अच्छे तरह से फेस पे लगाते रहें। नोज़ के पास, नोज़ वाले एरियाज पे भी बहुत अच्छे से लगाते रहें। इससे आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब हट जाएंगे। और यहाँ पे भी अप्लाई करते रहें अच्छे से। और हाँ, स्क्रब को जेंटली आप अपने फेस पे ऐसे सर्कुलर मोशन भी करते रहें। बहुत हार्श नहीं करना है आपको। और पूरे तरफ अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लें। ये बहुत ही अच्छा होता है। अब हम इसे एक मिनट तक अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहेंगे जिससे ये अच्छे से क्लीन कर दे आपके जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं और पोर्स को। और इसका एप्लीकेशन सिर्फ आपको हफ्ते में दो ही बार करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करने से आपकी स्किन में रैशेज भी आ सकते हैं। तो अब मैंने स्क्रब से इसे एक मिनट तक मसाज कर लिया है और अब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। अपना फेस वॉश कर लिया था, अब मेरा फेस एकदम से ड्राई हो गया है। तो चलिए अब हम अपने फेस पैक की तरफ बढ़ते हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए जो हमने सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिया है वो है हमारा बेसन। बेसन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। ये हमारे स्किन को डे टैन करता है और हमारे फेस को भी क्लीन करता है और ऑयल को भी कंट्रोल करता है। तो हमारा दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और इसमें विटामिन सी होता है। ये हमारे फेस पे ग्लो लाता है और ऑयल कंट्रोल करता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे एक्ने को ठीक करने के लिए। तो जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है हनी। ये हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये हमारे एक्ने को ट्रीट करता है। तो चलिए हम अपने फेस पैक को रेडी करते हैं। तो इसमें मैंने एक चम्मच हनी लिया है और अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। और अब हम इस पर 4-5 ड्रॉप्स लेमन के डालेंगे। इतना इनफ है, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि फिर ये नुकसान भी कर सकता है आपकी स्किन पे। तो मैं अब इसको मिक्स करने के लिए ऐड कर रही हूँ वाटर। और मैंने 1 टीस्पून अपना वो लिया था बेसन, एक चम्मच लगभग। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मैंने अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह है। ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है आपके फेस पैक की। तो चलिए मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आप इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अपने फेस के किसी भी पार्ट से। तो इस तरह से अप्लाई करते रहिए। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है गाइस। ये सच में बहुत ये हर स्किन टोन के लिए, मतलब हर स्किन टोन क्या, हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा लेमन ना डालें, पर लेमन भी बहुत अच्छा होता है।
आपकी स्किन के लिए। मैंने अब इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसे 20 मिनट तक अपने फेस पे ऐसे छोड़ दूंगी। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं अपना फेस वॉश कर लूंगी। 20 मिनट्स लेटर मेरा फेस ड्राई हो चुका है और 15-20 मिनट्स हो चुके हैं अच्छे से। तो अब मैं इसे फेस वॉश करके आती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। वो ये है कि जब फेस पैक लगाएं उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए तो बिल्कुल मत बोला करें, आपके फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे और आप बुड्ढों की तरह दिखने लगेंगे। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा फेस सच में लग रहा है कितना ग्लोइंग हो गया है और कितना ब्राइटन अप हो गया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस फेस पैक को धुलने के बाद आप ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, क्योंकि लगाइएगा क्योंकि फिर थोड़ा सा आपको ड्राई ड्राई सी स्किन लगने लगती है। और अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप 2 बार इसे हफ्ते में ज़रूर अप्लाई करें, उससे ज़्यादा ना अप्लाई करें तो आपकी स्किन और ग्लोइंग अप हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।